हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 23। तो बेटे, ये 9वीं यूनिट का 23वां वीडियो है और इससे पहले 22 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 9 के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 4, और इसमें हम यूनिट नंबर 9 के एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी की किताब निकाल लो और उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 से हमें स्टार्ट करना है आज, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, लवणीय हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं। लवणीय हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न करते हैं। आग उत्पन्न करते हैं। लवणीय हाइड्राइड कहते हैं आयनिक हाइड्राइड को, ध्यान रखना। लवणीय हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? आयनिक हाइड्राइड, यानी जब S और P ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो बनते हैं लवणीय या आयनिक हाइड्राइड। क्या इसमें CO2 अग्निशामक का उपयोग कर सकते हैं? इन्होंने कहा है क्या इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, एक अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला अग्निशामक का प्रयोग लिख दूं या उपयोग लिख दो, एक ही बात है, प्रयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो लवणीय हाइड्राइड हैं या आयनिक हाइड्राइड हैं, ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तेजी से, बहुत तेजी से, और एकदम इस तेज होने वाली अभिक्रिया से आग लगती है। और उस आग को बुझाने के लिए क्या हम CO2 का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है कि आप CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते। CO2 का प्रयोग आप इसलिए नहीं कर सकते कि जब आप CO2 का प्रयोग करोगे तो वो CO2 इस लवणीय हाइड्राइड से ही क्रिया करेगी। CO2 किससे क्रिया कर लेगी? लवणीय हाइड्राइड से, और फॉर्मेट साल्ट बना देगी। जैसे सोडियम का हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड से CO2 जब रिएक्शन करेगी तो क्या बना देगी? सोडियम फॉर्मेट। तो वो आग बुझाने का काम तो कर नहीं पाएगी, वो जो हाइड्राइड है उसी के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो इसलिए आप इस अभिक्रिया में आग को बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते हो। होता क्या है कि ये जो लवणीय हाइड्राइड होते हैं, इन्हें हम आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ये पहले या दूसरे वर्ग के तत्व, यानी S ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? पहले और दूसरे वर्ग के ही तो होते हैं। पहले वर्ग के तत्वों को आप कहते हो क्षार धातु,
या क्षारीय धातु, और दूसरे वर्ग के तत्वों को आप कहते हो क्षारीय मृदा धातु। तो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों की विद्युत धनात्मकता होती है बहुत ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन अपना किसे देंगे, हाइड्रोजन को। तो इलेक्ट्रॉन जब एस ब्लॉक तत्व कोई भी है, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ेंगे तो सोडियम की विद्युत धनात्मकता ज्यादा है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपना और हाइड्रोजन को दे देगा। जब सोडियम से हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। तो सोडियम हाइड्राइड एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक को आयनिक हाइड्राइड भी आप कह सकते हो, और सोडियम हाइड्राइड एक लवण है तो इसे आप लवणीय हाइड्राइड भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, लवणीय हाइड्राइड। तो हमें इस बात का पता है कि ये जितने भी लवणीय हाइड्राइड हैं, जैसे मान लो सोडियम हाइड्राइड ही है, ये एक लवणीय हाइड्राइड है, जब ये रिएक्शन करता है जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, तो जल के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, चलो अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं इसे, HOH, HOH ऐसे लिखते हैं, चलो जल को ऐसे लिखते हैं। तो जब ये रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यहां से ये गैस निकलती है H2। कौन सी गैस निकली, H2 गैस, और NaOH बना, साथ में निकली H2 गैस, और साथ में निकली बहुत ज्यादा ऊष्मा, ऊर्जा निकली बहुत ज्यादा। तो मैं यहां लिखता हूं अपार ऊर्जा या ऊष्मा कह दो। जब इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, ज्यादा ऊष्मा निकलने से क्या होगा, वो ज्यादा ऊष्मा के उपस्थिति में इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाएगी। आपको पता है ना हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील, तो हाइड्रोजन में लग जाएगी आग। इसलिए जब भी आप किसी लवणीय हाइड्राइड को पानी के साथ क्रिया कराते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, इसमें लग जाएगी आग। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, जब लवणीय हाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो यह अभिक्रिया यूं लिख सकते हो ना आप, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, यह अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है जिसके कारण हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। तो हाइड्रोजन गैस जब आग पकड़ लेगी तो फिर तो पूरे बर्तन में, जिसमें भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें भी रिएक्शन चल रही, उसमें तो आग लगी जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस आग को बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग कर सकते हो क्या आप, तो इसका आंसर ये है, परंतु यहां से लिख रहे, परंतु इस आग को, परंतु इस आग को बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग कर कह रहे थे करने को, CO2, CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, CO2 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बताओ, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको ये CO2 क्या करेगी, क्योंकि CO2, कोमा लवणीय हाइड्राइड, जैसे यहां हमारा NaH है ना, लवणीय हाइड्राइड, लवणीय हाइड्राइड
से क्रिया करके, लवणीय हाइड्राइड से क्रिया करके क्या बना लेती है? फॉर्मेट। फॉर्मेट लवण बना लेती है, यानी आग को बुझाने के तो काम बाद में होगा, पहले वो इस लवणीय हाइड्राइड से ही क्रिया करेगी। हमारा लवणीय हाइड्राइड क्या है? सोडियम हाइड्राइड। इस सोडियम हाइड्राइड के साथ CO2 रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके क्या बनाएगी? HCOO है ना ये, Na, HCOO Na ये बनाएगी। देखो सोडियम फॉर्मेट है, इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट, जो एक फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है, फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण है। तो इसलिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी किसी लवणीय हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड की क्रिया आप जल के साथ कराओगे तो इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप इसकी जगह क्यू भी लिख सकते हो। क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होती है और ई उत्पन्न ऊष्मा के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन एकदम आग पकड़ लेगी, और आग पकड़ेगी तो इस ये क्रिया बहुत तेजी से होती है और इसमें बहुत ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। इस आग को बुझाने के लिए आप CO2 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि CO2 इस लवणीय हाइड्राइड NaH के साथ ही क्रिया कर लेगी और उसका सोडियम फॉर्मेट साल्ट बना देगी। ठीक है, आग बुझाने का काम तो बाद में होगा। जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ध्यान रखना है आपको, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि लवणीय हाइड्राइड है क्या। तो लवणीय हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड को ही कहते हैं, और आयनिक हाइड्राइड केवल तभी बनता है जब पहले और दूसरे वर्ग के तत्व, यानी एस ब्लॉक तत्व, हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हों, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व सारी धातु हैं और इनकी विद्युत धनात्मकता है ज़्यादा। तो यहाँ बनता है आयनिक हाइड्राइड, या आयनिक हाइड्राइड को हम कहते हैं लवणीय हाइड्राइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 16वें क्वेश्चन में कहा है, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को, या निम्न को व्यवस्थित, निम्न को व्यवस्थित कीजिए, निम्न को व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम दे रखा है इन्होंने कि कौन कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 दे रखा है, कोमा BeH2 दे रखा है, कोमा TiH2 को बढ़ती विद्युत चालकता के क्रम में, TiH2 को बढ़ती विद्युत चालकता के क्रम में, विद्युत चालकता के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है इन तीनों को। देखो यदि आप इन्हें बढ़ती हुई विद्युत चालकता के क्रम में व्यवस्थित करना चाह रहे हैं तो इसे देखो, BE और CA को, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं भाई, BE, MG, CA, SR, BA, RA, यही तो हैं सेकंड ग्रुप के। तो इसमें BE का हाइड्राइड है ये BeH2, और CA का हाइड्राइड है CaH2। आपको बताया कि ये दोनों कैसे हाइड्राइड होंगे? आयनिक हाइड्राइड होंगे,
क्योंकि ये सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक तत्व का ही तो एक हिस्सा है। तो यहाँ बी ई इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को और यहाँ कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देगा इस हाइड्रोजन को। तो आयनिक बंध है, आयनिक बंध से बनेंगे आयनिक यौगिक। और आपको बताया कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, पता है ना? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यदि ये दोनों ठोस अवस्था में है, ये और ये, तो इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि ये टाइटेनियम हाइड्राइड जो है, इसमें टाइटेनियम फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है। टाइटेनियम जब डी ब्लॉक तत्व है, तो टाइटेनियम की स्थिति ये होगी कि धातु के जो परमाणु हैं वे तो इस तरह होंगे व्यवस्थित, और धातु के परमाणुओं के बीच में यहाँ होगा हाइड्रोजन इस तरीके से। तो मुझे यूं बताओ कि धातु को तो डिस्टर्ब नहीं कराना इसने हाइड्रोजन ने, तो धातु टाइटेनियम धातु तो ज्यों की त्यों रहेगी। और आपको बताया धातु में विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, पता है ना? तो इसका मतलब टाइटेनियम हाइड्राइड इन दोनों से तो अच्छा चालक है। तो मैं टाइटेनियम हाइड्राइड की चालकता तो बताऊंगा आपको सबसे ज्यादा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से हमें यूं देखना कि ठोस अवस्था में तो दोनों होंगे विद्युत के कुचालक, पर जब आप इन्हें द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में ले जाओगे तो इनमें से जिसका बॉन्ड पहले टूट जाएगा, जो पहले गलित होगा उसकी चालकता भी ज्यादा होगी, या जो ज्यादा आयनिक होगा उसकी चालकता ज्यादा होगी। तो मुझे यूं बताओ BeH2 और CaH2 इनमें से किसके बॉन्ड ज्यादा बड़े होंगे? आप कहोगे कि सर ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, तो इसके बॉन्ड ज्यादा बड़े होंगे इसके मुकाबले। और जब कैल्शियम हाइड्राइड के बॉन्ड ज्यादा बड़े तो जल्दी टूटेंगे, आयनिक लक्षण भी इसी में ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो बी की तुलना H2 से हो रही है, CA की H2 से हो रही। यदि मैं बी और CA का कंपैरिजन करूँ तो विद्युत धनात्मकता तो CA की ज्यादा होगी। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये ज्यादा आयनिक यौगिक है इसके मुकाबले, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्राइड की चालकता इससे ज्यादा होगी BeH2 से, क्योंकि ये ज्यादा आयनिक है, इसका बॉन्ड भी जल्दी टूटेगा। ठीक है, यहाँ देखो आप, तो इन्होंने बढ़ते क्रम में कहा था कि इसे बढ़ते क्रम में चालकता को लगा दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BeH2, इसकी चालकता सबसे कम होगी, और BeH2 से ज़्यादा चालकता होगी CaH2 की, और यहाँ सबसे ज़्यादा चालकता होगी TiH2 की, टाइटेनियम हाइड्राइड की। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि TiH2, तो ये पहले वाले दो जो हैं BeH2 और CaH2, ये तो दोनों हैं आयनिक हाइड्राइड, जिन्हें अभी अब थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे लवणीय हाइड्राइड, और ये है अंतराकाशीय हाइड्राइड, या अंतराकाशीय हाइड्राइड नहीं कहते तो आप धात्विक हाइड्राइड भी कह सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट में कहा है LiH NaH CSH, LiH कोमा NaH व CSH, सीजियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड को आयनिक गुण के बढ़ते क्रम में रखना है, को आयनिक गुण के, आयनिक गुण के बढ़ते क्रम में। अभी मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक गुण बढ़ता है। LiNaCS फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, सारे एस ब्लॉक तत्व हैं, आयनिक हाइड्राइड हैं सारे के सारे। LiNaKRbCSFR, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो LiH है, एक तो लिथियम हाइड्राइड है, एक है NaS सोडियम हाइड्राइड, और एक है सीजियम हाइड्राइड, ये हैं। तो इनमें हाइड्रोजन तो एक जैसा है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक होगा उसी का हाइड्राइड का आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा होगा,
तो सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। और जब विद्युत धनात्मकता बढ़ती है तो इसका मतलब इन तीनों में इसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा है, सीजियम की। और विद्युत धनात्मकता ज्यादा है तो ये वाला जो आयनिक यौगिक है या आयनिक हाइड्राइड है उसका आयनिक लक्षण ज्यादा होगा, इसका उससे कम, सबसे कम इसका। तो आपको उत्तर में लिथियम हाइड्राइड पहले लिखना है, फिर सोडियम हाइड्राइड, बढ़ता हुआ क्रम लिखना है ना आयनिक लक्षण का, सबसे बाद में लिखोगे आप सीजियम हाइड्राइड। तो आयनिक गुण का बढ़ता हुआ क्रम, लिथियम हाइड्राइड सबसे कम आयनिक, इससे ज्यादा आयनिक है सोडियम हाइड्राइड, और सबसे ज्यादा आयनिक है सीजियम हाइड्राइड, इन तीनों में। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है तीसरा, इसका थर्ड पार्ट। एच बॉन्ड एच डी बॉन्ड डी, एच बॉन्ड एच कोमा ड्यूटीरियम बॉन्ड ड्यूटीरियम कोमा एफ बॉन्ड एफ, फिर क्या कहा इन्होंने, को उनके बंध वियोजन एंथैल्पी के क्रम के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ का बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी का बढ़ता क्रम का क्या, के लिखें के बढ़ते क्रम में। भाई मुझे एक बात बताओ, यूं बताओ कि जब आप एफ एफ डी डी और एच एच की बात करोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की या बंध वियोजन एंथैल्पी की, तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? भाई पहले वो बॉन्ड टूटेगा जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा, वो बॉन्ड पहले टूट जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसके परमाणु बड़े बड़े होंगे, यहाँ फ्लोरीन के परमाणु ज्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, इसका थोड़ा सा एनर्जी दोगे टूट जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का साइज इससे छोटा है तो बॉन्ड इससे छोटे होंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन से भी छोटा साइज होता है ड्यूटीरियम का। भाई हाइड्रोजन का मतलब यहाँ प्रोटियम है या ड्यूटीरियम है, तो जिसके बॉन्ड जितने छोटे हैं उतने मजबूत हैं, और जितने मजबूत हैं उतना मुश्किल से टूटेंगे, यानी बॉन्ड एनर्जी उतना ज्यादा होगा। कन्फ्यूजन चलो यहाँ तो होता नहीं है, इसके पास तो कितनी कक्षाएं हैं, दो, इसके पास एक कक्षा है, इसके पास भी एक ही कक्षा है, भाई 1H1 और 1H2 ही तो है, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो दो कक्षा थी, चलो साइज बड़ा था, पर यहाँ तो एक ही कक्षा है और यहाँ भी एक ही कक्षा है, तो एक एक कक्षा में आपने साइज अलग अलग कैसे कर दिया? इसलिए कर दिया क्योंकि यहां तो हमारे पास 1H1 है और ये यहां हमारे पास दोनों 1H2 है ना, तो 1H1 और 1H2, तो यहां आपको एक बात पता चल रही होगी कि भाई इसमें परमाणु क्रमांक तो इसका भी एक है इसका भी एक है, पर परमाणु भार क्या होता है इसका ज्यादा है ड्यूटीरियम का, जिसके कारण से न्यूक्लियर अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा रहता है क्योंकि नाभिकीय कणों की संख्या बढ़ गई ना, इसलिए साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डी बॉन्ड, डी का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, हाइड्रोजन का तोड़ना आसान है, और इस बात को ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो, यदि मैं कहूँ हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, हल्की हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील इसीलिए है क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है, और जो भारी हाइड्रोजन है, ये भारी हाइड्रोजन ही तो है जिसे आप कहते हो ड्यूटीरियम, ये भारी हाइड्रोजन कम क्रियाशील होती है हल्की हाइड्रोजन के मुकाबले क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इस तरह भी तो याद रख सकते हो आप। चलो देखते हैं अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। NaH MgH2 व H2O, NaH कॉमा MgH2
मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और एक दे रखा है ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, ठीक है, को बढ़ते हुए अपचायक गुण के क्रम में लिखिए, को बढ़ते अपचायक, बढ़ते अपचायक गुण के क्रम में, बढ़ते अपचायक गुण के क्रम में लिखना है। तो बढ़ते अपचायक गुण के क्रम में यदि आप इन्हें लिखना चाह रहे हैं तो आपको यूं देखना पड़ेगा कौन आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अब मुझे यूं बताओ कि यहाँ ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा, यहाँ मैग्नीशियम ने बना रखा है सोडियम ने, तो यदि आप ऑक्सीजन को चेक करो, ये तो ग्रुप नंबर कौन से का है, सोलवे का, और मैग्नीशियम दूसरे का है और सोडियम पहले का, तो सबसे बड़ा साइज इसमें किसका होगा, सोडियम का ही तो होगा, क्योंकि आप जितना आगे की तरफ को जाओगे ना आवर्त सारणी में, वर्ग संख्या जितनी बढ़ाओगे साइज घटेगा, आपको पता है, पढ़ा रखी है आवर्त सारणी वाले चैप्टर में ये बात। तो यदि ऑक्सीजन मैग्नीशियम और सोडियम को देखोगे तो साइज इसमें सबसे बड़ा सोडियम का है, तो सोडियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ज्यादा कमजोर है इसके मुकाबले और इसके मुकाबले भी, तो सोडियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा कमजोर है तो ये जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो हाइड्रोजन जल्दी देगा, और जिसे भी हाइड्रोजन देगा उसका क्या कर देगा, अपचयन, तो ये सबसे मुश्किल से छोड़ेगा हाइड्रोजन को। और आपको वैसे भी पता है कि भाई जल एक दुर्बल विद्युत अपघटक होता है, तो ये एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन को मुश्किल से छोड़ता है, और मुश्किल से छोड़ता है कि तो किसी को मिलेगा भी हाइड्रोजन मुश्किल से, तो ये एक अच्छा अपचायक नहीं है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम कहेंगे कि H2O इन तीनों में सबसे बेकार अपचायक है तो वैसे अच्छा अपचायक। उसके बाद किसका नंबर आएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड का, और इन तीनों में सबसे अच्छा अपचायक है सोडियम हाइड्राइड। इसका रीजन सिर्फ यही है कि इस बॉन्ड का टूटना आसान है इसके मुकाबले और इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ सोडियम का साइज इससे बड़ा है मैग्नीशियम से, तो साइज यदि धातु परमाणु का बड़ा है, ठीक है, इस परमाणु का साइज सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा साइज है, तो इस बॉन्ड का टूटना भी सबसे आसान है जो इन दोनों के बीच में, और सबसे आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन किसी को भी आसानी से दे देगा, और जितनी आसानी से किसी को हाइड्रोजन देगा ये उतना अच्छा अपचायक माना जाएगा। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये तुलना करने वाले, ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। और एक बात और जरूर मैं बार बार बताता हूँ आपको, एक तो आप जो है ना प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ा करो, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करा करो। दूसरी बात यह है कि आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। तीसरी बात यह है कि वीडियो का स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए। आपको जितना स्पीड पे वीडियो देखना है, वीडियो का स्पीड तो आप चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में है, कितना ही फास्ट कर लो कितना ही स्लो कर लो। और NCERT के क्वेश्चन जरूर करने हैं, NCERT के क्वेश्चन बहुत कम बच्चे हैं जो करके जाते हैं एग्जाम में, और इन्हीं में से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। तो NCERT के क्वेश्चन हमें जरूर करने चाहिए। चलो खैर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वें क्वेश्चन में कहा है H2O तथा H2O2 की संरचनाओं की तुलना कीजिए। H2O तथा H2O2 की संरचनाओं की तुलना कीजिए। दोनों की संरचना मैंने आपको सिखा रखी है, फिर
फिर भी एक बार दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि H2O, चलो H2O के बारे में तो इधर समझेंगे और इधर समझेंगे H2O2 के बारे में, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O की संरचना तो ऐसी होती है, आपको बताया V रूपी संरचना होती है H2O, ये है। और इसमें आपको बताया ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। जबकि यदि H2O2 की संरचना देखो आप, तो H2O2 की संरचना H2O2 ऐसी बना सकते हो आप, खुली किताब जैसी, गैसीय अवस्था में और ठोस अवस्था में थोड़े बॉन्ड एंगल बदल जाते हैं। ये जो संरचना है खुली किताब जैसी संरचना है, ओपन बुक स्ट्रक्चर। कैसे देखो, यहां जो है आप इसे ऐसे मान सकते हो जैसे किताब खुली हुई हो, ठीक है, ऐसे। समझाई थी ना पहले भी मैंने स्ट्रक्चर आपको एक बार, ओपन बुक स्ट्रक्चर, तो खुली किताब वाली संरचना है। अब इस संरचना में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इसमें जो पहला हमने लिख रखा है ना, दो स्ट्रक्चर बनाए, इसमें एक तो है गैस अवस्था। कैसी अवस्था है? गैसीय अवस्था। यहां लिख देता हूं मैं, ये तो है गैस अवस्था, हाइड्रोजन परऑक्साइड जब गैस अवस्था में होगा, और ये है ठोस अवस्था, हाइड्रोजन परऑक्साइड जब कैसी अवस्था में होगा, ठोस में। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों संरचनाएं लग तो रही है एक ही जैसी, अंतर मैंने आपको पढ़ाया था ना इनमें, अंतर ये है कि इसमें एंगल 94.8 डिग्री का होगा। यहाँ मतलब जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका बॉन्ड एंगल है 94.8 डिग्री और किताब का एंगल है 111.5 डिग्री। कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। और यदि आप ठोस अवस्था में जाते हो तो ओ ओ एच का बॉन्ड एंगल है 101.9 डिग्री। ठोस अवस्था में ओ ओ एच का जो बॉन्ड एंगल है 101.9 डिग्री है और किताब का है, खुली किताब का बॉन्ड एंगल है 90.2 डिग्री, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल यहाँ हमने लिख ही दिया, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये संरचनाएं हैं। अब इसके बारे में यदि आपको लिखना है कुछ और, तो आप लिख सकते हो सबसे पहली बात कि इसकी संरचना है वी रूपी, वी रूपी संरचना, ठीक है, इसे कहते हैं वी शेप स्ट्रक्चर। और इसकी कैसी संरचना है? इधर इसकी है खुली किताब संरचना, खुली किताब, ओपन बुक, खुली किताब जैसी संरचना। अच्छा, एक चीज और भी है जो आपको सीखनी है, बता देता हूं। वैसे ही इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो प्लेनर है, एक प्लेन में है ये तीनों एटम और ये दोनों बॉन्ड, और इनका स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, यानी समतलीय संरचना नहीं है। ये समतलीय है ना, इसलिए मैं कहूंगा कि ये अधिक ध्रुवीय है, अधिक ध्रुवीय। जो H2O है वो ज्यादा ध्रुवीय होता है। क्यों होता है अभी बात करेंगे, यहां हम लिखेंगे कम ध्रुवीय,
क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, यदि प्लेनर होता तो शायद ध्रुवीयता इसके अंदर ज्यादा होगी, यदि ये प्लेनर होगा तो, पर ये प्लेनर नहीं है। ठीक है, किताब जैसा है ना, एक प्लेन तो ये है और एक प्लेन ये है। किताब जब खोल लोगे तो दो प्लेन में आएगी ना किताब, खुलने के बाद आपको पता है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा 2 डेल नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा डेल पॉजिटिव, और डेल पॉजिटिव डेल कह दो या डेल्टा कह दो एक ही बात है। तो ऊपर का सिरा तो हो गया आपका ऋणावेशित, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, और नीचे का सिरा हो गया आपका धनावेशित। नीचे का सिरा ये कैसा है, धनावेशित। तो दो ध्रुव बन गए ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। यदि प्लेनर होता तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती। ठीक है, चलो जल्दी से पोज करके लिखो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर हम। पोज करके लिखो, जल्दी से लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, संरचना दोनों की आपको बनानी आनी चाहिए, H2O की भी और H2O2 की भी। हाइड्रोजन परऑक्साइड में एक तो गैसीय अवस्था में बॉन्ड एंगल पता होने चाहिए, चाहे संरचना एक ही बनाओ पर बॉन्ड एंगल गैस और ठोस अवस्था के थोड़े से याद रखना। सिखाए थे मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो सिखाया था मैंने आपको ये। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें क्वेश्चन में कहा है, जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं? जल के स्वतः, स्वतः माने अपने आप, प्रोटोनीकरण, प्रोटोनीकरण जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रोटोनीकरण का मतलब होता है प्रोटॉन देना, प्रोटॉन होता है एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, स्वतः का मतलब अपने आप, प्रोटोनीकरण का मतलब प्रोटॉन देना। यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास H2O है और आपने H2O को भर रखा है एक बर्तन में, तो आपको इस बात का पता है कि जब जल को किसी बर्तन में आप भरोगे तो जल के कुछ अणु क्या करेंगे, प्रोटॉन को देंगे दूसरे अणु को। तो इसने यदि एच पॉजिटिव दे दिया तो ये क्या बचेगा, यहाँ ओ एच नेगेटिव बचेगा, प्लस एच पॉजिटिव दूसरे अणु को दे दिया तो क्या बनेगा, S3O पॉजिटिव। ठीक है, इसे कहते हैं स्वतः प्रोटोनीकरण, अपने आप प्रोटोन देना। तो जो प्रोटोन देता है ना वो होता है अम्ल। तो यहां पहले वाला जल का अणु अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा, और इसने प्रोटॉन लिया तो ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति करेगा व्यवहार, क्षार की भांति। अब देखो, यदि मैं आपको यूं कहूं कि OH नेगेटिव है, यहां से प्रोटॉन इधर आ जाएगा, अब प्रोटॉन आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ आएगा जब भी, तो OH नेगेटिव फिर दोबारा से H2O में बदल जाएगा। तो इस बार जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल होगा, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। कुल मिला के इन सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, निष्कर्ष ये है कि जल के स्वतः आयनीकरण को ही स्वतः प्रोटोनीकरण कहते हैं। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अतः जल के स्वतः यानी अपने आप आयनीकरण, स्वतः
आयनीकरण यानी अपने आप आयनों में टूटना, आयनों का आदान प्रदान करना को ही स्वतः प्रोटोनीकरण, स्वतः प्रोटोनीकरण कहते हैं। स्वतः प्रोटोनीकरण कहते हैं। एक बात तो ये समझ में आई, दूसरी बात ये तो पता चल गया, पर हमें इस बात का भी पता चला कि जल इस स्वतः प्रोटोनीकरण की क्रिया के कारण उभयधर्मी प्रकृति दिखाता है, यानी जल अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हाँ आप लिख सकते हो इसके कारण ही जल की प्रकृति यानी जल का नेचर, जल की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी, जल की प्रकृति उभयधर्मी होती है। जल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, तो इसके कारण ही जल की प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, रख लोगे याद? अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हमेशा किसी भी यूनिट को प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ना है। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप वीडियो को देखते हो तो वीडियो का स्पीड आपको अपने अनुसार व्यवस्थित कर लेना चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।